हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। बस यहाँ पे अभी मैं कर रही थी थोड़ी से बोर्ड वगैरह क्लीन, और आज मुझे बहुत सारे काम भी है। आज मुझे एक पार्टी में भी जाना है और आप लोगों के साथ में बहुत कुछ शेयर करना है, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में और स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और बस मुझे भी जो है अभी मैं फटाफट से सारे काम कर लूँ, फिर उसके बाद मुझे नहाना है। अभी हुरैन भी सो रही है, तो फिर तब तक मैं फटाफट से काम भी कर लेती हूँ, वरना तो वो मुझे करने ही नहीं देती है। और बस यहाँ पे अभी सारे सोफ़ा कवर वगैरह भी मुझे जो है ना ठीक करना था। ये वाले तकिए होते हैं ना गोल वाले, इनके मुझे कवर भी निकालने थे, उनको वॉश करने के लिए डालना था, तो बस वही मैं अभी कर रही हूँ। और अभी ईद के भी दिन अभी थोड़े से ही रह गए हैं और काम बहुत ज़्यादा हैं और दिन बहुत कम बचे हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी है घर में न्यू, और घर के लिए कुछ चीज़ें लानी भी हैं जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। तो बस वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ। कुछ मैं चीज़ें ऑनलाइन मंगा रही हूँ, कुछ मैं लोकल मार्केट से भी लेकर के आ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के मेरे जो भी काम थे, मुझे थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी वो मेरी हो चुकी है, मेरी जो अलमेरा मुझे सेट करनी थी वो भी मेरा काम हो चुका है। तो धीरे धीरे करके मैं जो है ना ईद की अभी सफाई शुरू कर दी है मैंने, तो वो धीरे धीरे करके ही ख़त्म हो जाएगी। और काफ़ी सारा मतलब जो है ना सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे कुछ और करना है। और बस यहाँ पे मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइज़ यहाँ पे आ गए इनका ये पार्सल, इन्होंने ये दो लोअर मंगाए हुए थे डेली में पहनने के लिए, तो ये उनके आ चुके हैं। और इसका कपड़ा क्वालिटी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा आया, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए ना ईद गिफ्ट ऑर्डर किए थे ईवा कॉस्मेटिक से। तो बस यहाँ पे ये आ चुके हैं, तो देख लीजिए, ये है मेकअप सेट और ये है परफ्यूम। सो गाइज़ ये बॉक्स देख लीजिए, कितना ज़्यादा प्यारा है ना। तो जैसे कि अभी ईद आ रही है, तो ईद के टाइम पे हम सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते ही हैं, तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को कुछ गिफ्ट करूं। तो ये मैंने ईवा कॉस्मेटिक्स से मंगाया है अपने लिए ये मेकअप सेट। ये है मैग्नेटिक बॉक्स जो कि इस तरह से ओपन होता है, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा नोट लिखा हुआ है, और ये है हमारे सारे मेकअप के प्रोडक्ट। और गाइस इसी के साथ में मैंने मंगाए हैं परफ्यूम सेट, जो कि मैं पहले भी इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये रोल ऑन परफ्यूम सेट है और ये इसमें अलग अलग तरह के फ्रेगनेंस है। सो हम और सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स ये है इसकी, क्योंकि ये अल्कोहल फ्री है, इसको हम ईद पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अम्मी को भी दूंगी और मेरी भाभी को भी दूंगी, इसको मैं भी यूज़ करूंगी, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं ना एक पार्टी में जा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करके अपना मेकअप करूं, ठीक है। सो इस मेकअप सेट में हमें मिल जाता है ये फाउंडेशन, वाटरप्रूफ फाउंडेशन है, और कंसीलर है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, लिपस्टिक है, काजल है, और ये है एवरीडे लिप एंड चिक टिंट। और गाइस ईवा कॉस्मेटिक्स के मुझे प्रोडक्ट इसलिए ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि ये हलाल सर्टिफाइड है, बीटा सर्टिफाइड है, वेगन है, ग्लूटेन फ्री है, और साथ साथ में इसके प्रोडक्ट्स जो हैं होते हैं ना वो बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा है, और इनकी वेबसाइट पर अच्छे अच्छे डिस्काउंट भी चलते रहते हैं। सो चलिए पहले इसको यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं लगाने जा रही हूँ ये फाउंडेशन, जो कि फुल कवरेज देता है, मैट फिनिश है, स्वेट प्रूफ है, और ऑल स्किन टाइप्स को सूटेबल है। सो सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने फाउंडेशन लगा लिया है, और ईवा कॉस्मेटिक्स वेबसाइट पर जो है अलग अलग स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन अवेलेबल हैं, तो आप जिसके लिए भी परचेज कर रहे हैं तो उसके स्किन टोन के हिसाब से आप लोग वहां से ले सकते हैं। सो गाइस, अब मैं लगा रही हूँ ये मैट फिनिश का कंसीलर। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने कंसीलर लगा लिया है, और कंसीलर को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे जो भी डार्क सर्कल होते हैं या डार्क डार्क यहाँ पे हो जाता है ना, तो उसको छुपाने के लिए हमें कंसीलर लगाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी ये मस्ट हैव का वेलवेट मैट कॉम्पैक्ट पाउडर।
और फ्रेंड्स इसके मेकअप बॉक्स में हम मुझे टू टू लिपस्टिक मिली हैं, तो ये ईवा कॉस्मेटिक्स की है, मैट फिनिश लिपस्टिक है। इसका कलर है न्यूड अलर्ट और शेड नंबर है M19। और इसको भी हम लिपस्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं अपने चीक्स पर लगा लूँगी ब्लश की तरह, और अपने आईज पर भी लगा लूँगी इसको। और फ्रेंड्स ये है काजल, जो कि इसका जो काजल होता है ना ईवा कॉस्मेटिक्स का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि एकदम ये डार्क है और इसको और बिल्कुल स्मच फ्री है। इसको अगर एक लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो इतना ज़्यादा गहरा काला काजल है ये। तो इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और फ्रेंड्स मैंने ये काजल लगा लिया है, और ये वाटरप्रूफ काजल है, स्मच फ्री है, तो बार बार से ऐसे घिसने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार लगाने से ही अच्छा सा कलर आ जाता है इसका, क्योंकि डार्क कलर है। और अब लास्ट में मैं लगा रही हूँ ये लिपस्टिक। जिसको भी न्यूड मेकअप पसंद है उसको ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पास ही में मेरा ये मोबाइल रखा हुआ है, तो मैं इसमें ही देख के लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ना मिरर नहीं है अभी यहाँ पे। सो गाइस इसका शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये है न्यूड अलर्ट का M19 शेड नंबर है इसका। सो गाइस मैं हो गई रेडी, और बस जो भी मैंने ईवा कॉस्मेटिक्स की तरफ से जो मेरा मेकअप सेट मंगाया था उसी से मैं रेडी हुई हूँ। मैंने ये लुक ऐसा कुछ क्रिएट किया है, मैंने ये वाली कुर्ती डाल रखी है, तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही हूँ। और गाइज अगर आप पूरा रेडी हो गए हो और आपके पास से अच्छी सी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा अधूरा अधूरा सा लगता है। परफ्यूम सेट भी मंगाया हुआ था ये वाला। सो इस सेट में हमें ये चार परफ्यूम्स मिल जाते हैं जिनकी अलग अलग फ्रेग्रेंस है। तो एक है रेन ड्रॉप, स्वेट पैशन, फ्लोरल फैंटेसी और स्लो स्टॉपर। सो मुझे ना एक माइल्ड सी खुशबू जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है लगती है, तो बस मैं वही वाला लगाने वाली हूँ। तो मैं लगाऊंगी ये रेन ड्रॉप्स, इसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैं ये यूज़ भी करती रहती हूँ, तो मुझे ना पता है कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, तो मैं ये रेन स्टॉपर्स लगा रही हूँ। इसको आप अपने रिस्ट पर इस तरह से रोल ऑन कर लेना है, और यहाँ पे इस तरह से रब करना है, और इसको आप अपने ईयर्स के नीचे लगा सकते हैं। इसको आप अपने कपड़ों पर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल भी कोई भी दाग वगैरह नहीं छोड़ता है। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी इस गिफ्ट बॉक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो इसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, और साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आप लोगों को 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आप लोगों को बता दूँ कि ये इनकी वेबसाइट पर 25% डिस्काउंट पे है, और आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और अपनों के लिए ये प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स परचेज कीजिए। सो गाइस यहाँ पे हम लोग अभी बस निकल ही रहे हैं पार्टी में जाने के लिए, और हम लोग चार लोग ही जा रहे हैं, और यहाँ पे बस मैं आप लोगों को अपना फाइनल लुक भी नहीं दिखा पाई सही ढंग से, और बस फटाफट से हम लोग जो है रेडी होके और निकल गए थे। और क्योंकि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी हो रही थी, और आप लोगों को पता है कि बच्चों के साथ में ना ऐसे ही हो पाता है, बस फटाफट से रेडी हो और बस निकलो, कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। खैर जितना भी मैंने शूट किया है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, तो बस चलिए आप लोग भी हमारे साथ में पार्टी में। तो जहाँ पे हमें जाना है वो गार्डन थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए हम लोग जो है ना हाईवे से होते हुए ही जा रहे हैं, और बस वहाँ पे फिर हम लोग जाएंगे। और मम्मी नहीं गई थी, मम्मी घर पे ही थी, क्योंकि मम्मी के पैरों में थोड़ी सी तकलीफ है, इसी वजह से वो नहीं गई थी, तो बस यहाँ पे हम लोग ही आ गए थे। और बस ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को गार्डन, हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी, और ये कार हम लोग लगा रहे हैं पार्किंग में। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं गार्डन के अंदर, तो बस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा उन्होंने जो है ना अरेंजमेंट किया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे सभी लोग अभी खाना पीना चल रहा है अभी यहाँ पे, और बस देखो खाने में क्या क्या है, अभी हम लोग भी खाएंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं किया था यहाँ पे, क्योंकि सब लोगों से बस मिलना जुलना ही हो रहा था, तो इसलिए जितना भी मैंने शूट किया है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और उन्होंने जो है ना सारा खाना वेज ही रखा हुआ था, क्योंकि सभी तरह के लोग थे पार्टी में। तो बस अभी मैं खा रही हूँ यहाँ पे खाना, तो बस हमारी प्लेट्स वगैरह यहाँ पे लग रही हैं। तो गए तभी हम लोग पार्टी से लौट आए हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे, हम लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया, और उन्होंने प्रोग्राम भी बहुत अच्छा ही रखा था। उन्होंने छोटा सा गार्डन लिया हुआ था और वहाँ पे मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किए सारे,
तो बस हम लोग ही गए हुए थे, तो बस अभी मैं आ गई हूँ। तो बस मैंने मेकअप जो है रिमूव कर लिया है, और अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग। मैं अपनी नहीं दिखाऊंगी, मेरे हस्बैंड ने और जैकी भाई ने क्या क्या मंगाया हुआ है ईद के लिए। ऐसे ही करके हमारी जो है ना शॉपिंग धीरे धीरे करके चल रही है। तो कुछ कुछ पार्सल अभी रिसीव हो गए हैं मुझे, और कुछ अभी आने बाकी हैं। हुरैन के भी मैंने कुछ ड्रेसेस मंगाई हुई हैं, तो वो भी अभी आने बाकी हैं। मेरे भी एक दो एक जोड़ है मेरा जो मैं ईद पे पहनूंगी, वो भी मेरा आना बाकी है, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। खैर जितने भी अभी पार्सल मुझे रिसीव हो गए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तभी ना कुछ ऑनलाइन चीज़ें हम लोगों ने जो है ना परचेस की थी, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को डिलीवर हो गई हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमारी जो है ना रह गई हैं, तो वो आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो जो चीज़ें आ गई हैं तो मैं यहाँ पे फोल्ड करके रख रही थी, तो सोचा चलो आप लोगों को देती हूँ। ये फिर ये वाला कुर्ता है, तो ये वाला जो कुर्ता आप लोग देख रहे हो ये प्योर कॉटन में है, जो कि इन्होंने अपने लिए मंगाया हुआ है नमाज वगैरह के लिए। तो अभी इन्होंने पहन भी लिया है ये, और इनको एकदम अच्छे से फिट बन रहा है। और वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी का ये कुर्ता, ये अकेला आया है, सिर्फ इसके साथ में सलवार नहीं है। तो हमारे पास सलवार भी काफ़ी सारी रखे हुए हैं, तो वही किसी से भी मिक्स एंड मैच करके जो है ना ये पहन लेते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इन्होंने जो है ना वाइट कुर्ता मंगाया है, ये वाला, ठीक है। और ऐसी ये दो टी शर्ट मंगाई थी, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की आई है। ये टी शर्ट है एक रेड कलर में एक वाइट कलर में, तो वो मंगाई थी इन्होंने, और एक और ग्रे कलर में मंगाई थी जो इन्होंने पहन ली है। बस ये वाली है जो अभी नहीं पहनी है, तो वही मैं फोल्ड करके रख रही थी। और ये मेरी लेगिंग, और उसके बाद जो है यहाँ पे फैजान के लिए मैंने कुर्ता पजामा ऑर्डर किए थे उसके बर्थडे के लिए। और भी कपड़े हम लोगों ने लिए हैं यहाँ पे लोकल मार्केट से ही, लेकिन जो ऑनलाइन मैंने मंगाए थे ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे थे। तो बस ये मैंने इसके लिए ये कुर्ता मंगाया है, और उसकी बर्थडे भी आ रही है, और साथ साथ में उसने रोज़ा भी रखा हुआ है, तो ये उस टाइम पे पहन लेगा। ये इसका पजामा है। कुर्ता कैसा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे, बहुत सारे, लेकिन मुझे यही वाला पसंद है, और रेट वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। सो बस मैंने यहाँ से वो परचेज़ कर लिया। वैसे फैजन की जो एज है वो 8 ईयर्स का है, लेकिन मैंने उसके बड़े के थोड़ा सा बड़ा कपड़ा सही रहता है बच्चों पे, क्योंकि बच्चे जो है ना जल्दी जल्दी से बड़े हो जाने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बड़े कपड़े ही होने चाहिए। तो बस मैंने उसको 9 या 10 साल की उम्र के लिए मंगाया, तो उसको अच्छे से बन जाएगा। और उसकी माशाल्लाह से हाइट बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके पापा की हाइट अच्छी है, तो इसलिए जो है ना उसको थोड़े से बड़े ही कपड़े हमें मंगाने पड़ते हैं, तो ये उसको एकदम फिक्स बन रहा है, हालांकि वो 8 साल का है फिर भी। फिर ये था, जैकी भाई के लिए भी ऑर्डर किया है उनकी ही पसंद से, तो उन्होंने मंगाया है, तो ये भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये जो वाला कुर्ता पजामा जो है ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसकी ये पूरे एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पे पूरे में दी गई है ये एम्ब्रॉयडरी, और पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, शेरवानी पैटर्न टाइप लग रहा है। यहाँ से आगे से कट भी दिया गया है, ये कट दिया गया है इसमें, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। और इसके साथ में ब्लैक सलवार है जी, और हुरैन भी हमारी उठ गई हैं आप लोगों से बातें करते करते, क्योंकि जरा सी सी भी आवाज आती है ना तो ये तुरंत उठ जाती है, अभी उठ भी गई है देखो। नाखून किसने मारा तुमको? तो गाइस हमारी हुरैन उठ चुकी है, इसी के साथ में हम व्लॉग का एंड यही कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। बाय बाय बोल दो बिट्टू, नहीं बोलना। चलो बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, दुआ में जरूर याद रखना।